चलते हैं चौधरी रिंकू सिंह क्रिकेट स्टेडियम एकेडमी सादाबाद में, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी, आप रिंकू सिंह स्टेडियम खड़े हैं, आपको कैसे क्या लगा कि आपने सादाबाद ही क्यों चुना? मैं यहाँ से निकला था क्षेत्र से, तो मैं गरीब बच्चे जो मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब ट्रेवलिंग कर जाते हैं, वो टाइम खराब करते हैं अपना, उनकी प्रतिभाएँ दबी हुई हैं। तो मैं यही एक प्लान था कि अगर भविष्य में अगर मैं कुछ सिलेक्ट बना तो मैं अपने ही क्षेत्र में एक इसका इस टाइप का प्लेटफॉर्म तैयार करूँगा बच्चों के लिए, जो जिस बच्चों के अपना बच बाहर बच्चों को ना जाना पड़े, ताकि मुझे यही प्ले करने के लिए। आप कब से चालू करा रहे हैं, या IPL चालू होंगे या T20 चालू होंगे, क्या आपके पास सुविधा है, कैसे क्या करें? अभी हम अगले महीने एक सादाबाद T20 लीग करने जा रहे हैं, इसकी हमने अभी उस दिन पहले ट्रॉफी लॉन्च की थी। इस लीग में हम आपको IPL खिलाड़ी, इंडिया प्लेयर हैं, और जो भी जो अच्छे टैलेंट लगे हैं उनको ट्रायल लिया है, सेलेक्टर आए हुए थे, उन्होंने बच्चों को सेलेक्ट किया है, तो वो बच्चों को खेलने का, उनको साथ खेलने का जो सपना होता है प्लेयर का, मैं एक मैं बोर्ड ट्रॉफी खेलूँ या रणजी ट्रॉफी खेलूँ, उसके बाद मैं IPL खेलूँ, IPL में मैं एक अच्छे जो क्रिकेट ट्रेन को मैं खेलूँ, एक ड्रीम होता है। वही जो बच्चों को ट्रेन बच्चे वहाँ पर माता भी पहुँच नहीं पा रहे हैं, वही प्लेट हमको उनको यहाँ देना चाह रहे हैं, ताकि उनको एक अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कब से चालू हो रहे हैं T20 चालू होंगे, तो कब से चालू होंगे? हम इसको अगले महीने 20 नवंबर से करने वाले हैं। तो कहाँ कहाँ की टीम होंगी, किस जगह के? 6 टीम तो हमने फ्रेंचाइजी अपनी खुद की बनाई है, हमने अपने क्षेत्र के ही नाम रखे हैं, हमने सासरी नाम से, हथरा से सात, सादाबाद, तो हम 6 टीम डिवाइड करेंगे, 6 प्लेयर पंजाब रहते हैं और यूपी से मिला ओवर इंडिया के बच्चे इसमें खेलेंगे। तो क्या सुविधा क्या होंगी, जैसे बाहर जैसे लखनऊ में कोई वाली सुविधा होगी या कैसे? इसको पूरी प्रपत्र है, इसमें पूरा वर्ल्ड वाइड लाइव जाएगा, आप इसको कहीं भी सकते हैं इसमें, और जो प्लेयर बाहर के लिए उनके लिए हमें रहने खाने के लिए ट्रेवलिंग से लेकर बस रखी। तो जैसे देखने वालों के दर्शकों के लिए क्या